नमस्कार आदाब सत श्री अकाल लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में रोजगार को लेकर अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसा ही एक और मुद्दा सामने आया है ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े टेक्नीशियन का। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी परेशानी है, क्या उनकी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सोनू कुमार सम्राट हुआ। क्या परेशानी है, क्या बोलना चाहते हैं? परेशानी यही है सर कि 2020 में जो है हम लोग को ITI के बेस पर PM केयर फंड की तरफ से पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा इंडिया में ऑक्सीजन प्लांट लगाया था। उसमें ITI के आधार पर हम लोग का सिलेक्शन हुआ। उसमें ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हुआ और ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया, प्रैक्टिकली भी। उसके बाद CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद जब नियुक्ति भी हुई वो भी बिहार सरकार जो है आउटसोर्सिंग से करवाई, हेल्थ डिपार्टमेंट उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू। तो इसको हम लोग का डिमांड यही है कि आउटसोर्स से हटाकर राज्य स्वास्थ्य समिति अपने अंदर अधीन ले और हम लोग का एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, क्योंकि अदर स्टेट में भी अलग अलग प्रकार के पेमेंट दिया जा रहा है और वो भी हम लोग का जो यहाँ पे बिहार में दिया जा रहा है पेमेंट वो भी बिल्कुल एकदम न्यूनतम दिया जा रहा है। एक लेबर के पर डे के हिसाब से भी नहीं दिया जा रहा है। और अभी हम लोग हर प्लांट पे दो दो लोगों को भेज दिया गया है और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। और दूसरी बात है ना कि 12 घंटा ड्यूटी है, उसको 8 घंटा हम लोग का किया जाए। तो 12 घंटा आप लोग जो ड्यूटी करते हैं तो क्या उसके लिए ओवर टाइम मिलता है? नहीं सर, ओवर टाइम नहीं मिलता है हम लोग को। सिर्फ बोलता है अभी हर जगह दो दो प्लांट बैठाया गया है, दो दो मतलब टेक्नीशियन को ज्वाइन करवाया गया है और वहाँ बोला जा रहा है CS के थ्रू कि भाई इमरजेंसी चीज़ है, आप लोग को 12 घंटा ड्यूटी करना होगा। आपको 12 घंटा ड्यूटी करना होगा अभी। और संडे को भी हम लोग को जब ड्यूटी फिलहाल करवाया जा रहा है सर, जबकि संडे का पेमेंट नहीं मिलता है। आपका क्या है? सर मेरा अरुण कुमार पासवान। क्या समस्या ये है कि सरकार जो कोरोना महामारी को जैसे सरकार भी कह रही है कि कोरोना महामारी को जैसे कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया। समस्या ये कि जिसका समय सीमा 2 वर्ष शेष रह गया था, जिसका समय ख़त्म हो गया, मैं सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि कोई भी विज्ञापन जारी किया जाए उसमें कम से कम समय सीमा 2 वर्ष के लिए बढ़ाए, एज को बढ़ाए। इसलिए कि जिसका समय ख़त्म हो जाएगा उसका सरकार जिम्मेवार है, जो कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि 2 वर्ष में प्रभावित कोरोना महामारी की वजह से हम कोई भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए और कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए। तो ये अभ्यर्थी हैं जिनकी अलग अलग मांगे हैं और उसी में जहां एक तरफ ऑक्सीजन प्लांट के टेक्नीशियन की अपनी बात है तो वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि एज रिलैक्सेशन 2 साल और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से कई वैकेंसी नहीं आई है और जिसकी वजह से जिनका एज समाप्त हो रहा है उनके लिए ये रिलैक्सेशन दिया जाए। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार उन सारी मुद्दों को ध्यान से देखे, ध्यान से सुने और उस पर ध्यान दे। जो मुद्दा ऐसा है जिसके भविष्य तय होता है बिहार के युवाओं का, तो ज़रूरत है कि उस पर ध्यान दिया जाए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो।